भारत की प्रमुख कृषि हुआ करता था। एक समय था जब अनाज भारत के प्रत्येक घर में पाया जाता था। एक समय था जब भारत के गांवों से इसका निर्यात हुआ करता था। परंतु आज इस अनाज को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस जाती है, इसके उपयोग में लाने के लिए भी मेरी आंखें तरस जाती है। इसलिए तो सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को चला रही है तथा खाद्यान्नों को इन मोटे अनाज को प्रमुख धारा में लाने के लिए हमें बहुत सारे नियम को रखना है। हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी परंपरागत जो कृषि प्रणाली है, हमारी परंपरागत जो खाद्य प्रणाली है, उसको अपनाने की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सतत भविष्य और स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज, क्योंकि एवं युवा पीढ़ी के विकास के लिए तो मोटा अनाज सर्वाधिक लाभप्रद है। मोटे अनाज की श्रेणी में अनेकों अनाजों को रखा जाता है, जिसमें मुख्य है जो बाजरा, रागी, कटकी, कणकी, सवा, सामा आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। मोटे अनाजों का महत्व आज से नहीं बल्कि भारत के जन्म से लेकर चला आ रहा है। मोटे अनाजों का उत्पादन एशियाई भारत के देशों में किया जाता है। मोटे अनाज का 66% ज्वार का उत्पादन एवं 34% अनेक मोटे उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत ने मोटे अनाज की कृषि को लेकर अग्रणी देश बनकर उभरा है। परंतु जब मोटे अनाज के उपयोग की बात आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे भारत में इसका सर्वाधिक कम उपयोग होता है। मेरे को तो भारत के लोगों को सर्वाधिक इसके बारे में जानकारी होते हुए भी इसका कम उपयोग होता है, जिसके नकारात्मक